नमस्कार, मैं मनसा सरस्वती विद्या मंदिर बालकुपी की विज्ञान अध्यापिका। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास के बदलाव। तो बच्चों, आप अपने आसपास कई तरह के बदलाव देखते होंगे। जैसे अगर आप रात को जब सोते हैं तो रात होती है, ठीक है, और सुबह उठते हैं तो क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। तो दिन से रात होना भी क्या है, एक तरह का बदलाव है। एक छोटे से बीज से एक पौधा तैयार हो जाता है, तो वो भी क्या है, एक चेंज है। तो इसी तरह हम, जैसे एक एग्जांपल और दे देती हूँ, जैसे मौसम में बदलाव होते हैं, कभी बारिश होती है, कभी धूप लगती है, कभी सर्दी होती है। तो ये भी क्या है, हमारे आसपास के कई तरह के क्या है, बदलाव हैं। तो इनमें से दो तरह के बदलाव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो बच्चों, रिवर्सिबल चेंजेस फर्स्ट है। रिवर्सिबल चेंजेस, आपने देखा होगा कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, रिवर्स होते रहते हैं। जैसे नाम से पता लग रहा है, रिवर्सिबल मतलब रिवर्स हो जाते हैं जो, ठीक है। उसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर को मैं फोल्ड करूंगी। आप भी घर में ये एक्टिविटी कर सकते हैं, आप इसको जिस मर्जी शेप में फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने पेपर को फोल्ड किया तो क्या हुआ, इसके शेप और साइज में क्या हुआ, फर्क आया, ठीक है। तो मैं अगर फिर से इसको खोलती हूँ तो क्या होता है, हमें पेपर एज इट इज मिल जाता है। मतलब हमारा जो पेपर जैसे पहले जिस शेप और साइज में था वो हमें वैसे ही मिल जाता है, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, ये रबर बैंड है। अगर ये क्या है, राउंड शेप में है। अगर मैं मान लो इसको स्ट्रेच करती हूँ, खींचती हूँ, तो क्या होता है, इसके साइज में और शेप में फर्क हो जाता है। अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ वापस, तो ये वापस फिर से अपनी शेप में आ जाता है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज। ऐसा चेंज जो फिर से क्या, रिवर्स हो सकता है, रिवर्स होके वो फिर से अपनी शेप ले सकता है, ठीक है। द चेंज विच कैन बी रिवर्स रिवर्सिबल is called reversible changes. The change which can be reversed, which can be reversed is called reversible changes. ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल। अब आया हमारा नेक्स्ट इरिवर्सिबल चेंजेस। सेकंड है हमारा इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस। तो बच्चों, मेरे पास जैसे एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, अगर मैं मान लो इसको तोड़ती हूँ, मैंने इसको तोड़ा तो ये क्या हुआ, लकड़ी का टुकड़ा छोटी शेप में आ गया, ठीक है। मान लो इसको फिर से तोड़ देती हूँ तो फिर से क्या है, ये और छोटा हो गया। तो क्या मैं इस लकड़ी के टुकड़े को फिर से जोड़ सकती हूँ, क्या ये फिर से रिवर्स हो सकता है? तो आपको पता है कि ये फिर से क्या हो सकता है, जुड़ नहीं सकता है, फिर से रिवर्स नहीं हो सकता है। तो ये कैसा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल चेंज। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो मेरे पास ये कैंडल है, ठीक है, अगर मैं इस कैंडल को जलाती हूँ तो क्या होता है, मान लो ये कैंडल जलाने के बाद इसका साइज शेप ये हो जाता है, ठीक है। तो क्या आप इस कैंडल से दोबारा फिर से यही कैंडल आपको मिल सकती है, नहीं मिल सकती है ना, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंजेस है। तो इस तरह से आपको कई तरह के चेंजेस अपने चारों तरफ आप देख सकते हैं और उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन से चेंजेस रिवर्सिबल है, कौन से इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल चेंजेस की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। और
इसके बेस पे जो आपको बताया आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग एग्जांपल बता सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल होते हैं और कौन कौन से इरिवर्सिबल होते हैं। थैंक यू।